हाय एवरीवन, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्प्राउट सैलेड की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक मुट्ठी देसी चना लिया हुआ है। ये छोटा वाला चना है। मैंने चनों को रात में भिगोने रख दिया था। रात भर में चने अच्छे से फूल चुके हैं और मैंने इनका पानी निकाल दिया है। अब हमें इन चनों के स्प्राउट्स बनाने हैं। इसके लिए हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें इन चनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। स्प्राउट्स बनाने के लिए आप सर्दियों में चनों को 12 घंटे और गर्मियों में लगभग 8 घंटे तक भिगो के रखें, तभी आपके स्प्राउट अच्छे बनेंगे। अब धीरे धीरे करके मैंने सारे चनों को दूसरे बाउल में डाल दिया है। दूसरे बाउल में डालने का कारण सिर्फ इतना है कि जब भी हम चनों को जिस बर्तन में भिगोया होता है उसी में छोड़ देते हैं, इस तरह से उसमें थोड़ा सा पानी बच जाता है जो कि हमारे स्प्राउट्स का टेस्ट को ख़राब कर देता है। उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। यदि आप चाहती हैं कि आपके चनों से जल्दी से स्प्राउट्स निकल आएँ तो आप इस तरह के जिपलॉक पाउच का इस्तेमाल स्प्राउट्स बनाने के लिए कर सकती हैं, या फिर इस तरह के पाउच भी आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें भी आप अपने चनों को भर दें। मैं इसी बाउल में चने को ढककर किसी गर्म जगह पर रखने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड, 2 से 3 दिन बाद ये स्प्राउट्स इतने अच्छे से निकल आए हैं। स्प्राउट्स बनाकर फ्रिज में आप 7 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। देखिए, इसी तरह से मैंने साबुत मूंग के भी स्प्राउट्स बना लिए हैं। मैंने 2 चम्मच मूंगफली ली हैं जिन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया हुआ है। 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई हैं। हरी मिर्च को हम नींबू के रस में डाल देंगे, इससे मिर्च का तीखापन कम हो जाता है और एक चटपटा सा फ्लेवर सारे सैलेड में आ जाता है। मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ऐड कर दिया है। अब एक हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें हमने अपने चने डाल दिए हैं, अंकुरित मूंग डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कट की हुई मूली, 2 चम्मच बारीक कट किया हुआ पत्ता गोभी, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर हरा प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपनी भीगी हुई मूंगफली डालने वाले हैं। यदि आपको भीगी हुई मूंगफली कटे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें गाजर बारीक कट की हुई डाली है। अब 2 से 3 चम्मच मैंने बारीक कट किया हुआ खीरा ऐड किया हुआ है। इसमें अब मैं टमाटर डालने वाली हूँ 2 चम्मच। इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। फ्रेंड, इस सैलेड में आप ढेर सारे वेरिएशन कर सकती हैं। अब इसमें हमने जो नींबू और मिर्च भिगो के रखी हुई थी वह डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक डालेंगे, इसे मैंने कद्दूकस किया हुआ था। 1 चम्मच हरा धनिया कट किया हुआ, 1 चुटकी काला नमक और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम नमक, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। अब इसमें हम भुना पिसा थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। टिप ऑफ द डे, सर्दियों के दिनों में अक्सर स्किन पर रेड रैशेस पड़ जाते हैं या दाने होने लगते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप 1/2 चम्मच आंवला चूर्ण लें या 1/2 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। उसमें 1 से 2 चम्मच गुड़ को अच्छे से मिला लें और इस मिक्सचर को धीरे धीरे करके आप दिन में 2 बार खाएं। ऐसा करने से आपको रैशेस की प्रॉब्लम से जल्दी आराम मिल जाएगा। हमारा सैलेड अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप यदि चाहें तो इसमें 1 आंवला भी बारीक कट करके डाल सकती हैं और इसमें कुछ लहसुन की कलियां भी मिक्स कर सकती हैं कट करके। देखिए फ्रेंड, यदि स्प्राउट्स का आप इस तरह से सैलेड बना लेंगी तो
तो बड़े तो बड़े बच्चे भी इस प्रोटीन सैलेड को बड़े प्यार से खाने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।